हेलो गाइज, आज सीखने वाले हम लोग कि कैसे अपने ऐप में फ़ोन कॉल की एक्टिविटी को हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ऐप है डेमो के लिए, आपके दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ क्या है कि जैसे हम लोग इस बटन पर कॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली एक कॉल हो जाएगा। मतलब कि आपको ये नहीं है कि यार यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ ले जाएगा, सो आपको डायरेक्टली आपके पास कॉल हो जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम हम लोग कैसे करेंगे, और यहाँ बात रही कि अगर आपको कुछ सीखना है या फिर आप इस वीडियो को देखने में मतलब आपको मन नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो ये मेरा ब्लॉग है। इस ब्लॉग में आप जाके, आप एंड्रॉयड में जाके और यहाँ से आपका टोटली एंड्रॉयड के बारे में जो भी रहेगा टॉपिक यहाँ मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उसको पढ़िए और अपने अनुसार उसको कॉपी पेस्ट करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ फाइल पर जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, और इसका नाम लेते हैं हम लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इसको हम लोग नाम देते हैं फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल और इसका जो API लेबल है मैं 21 रखा हूँ, आप रखिए अपने अनुसार। और इसको फिनिश पर क्लिक करता हूँ। देखिए हमारी जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो गई है, और ये हमारे प्रोजेक्ट आप इस पर हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मैं नीलकंठ मनोहर, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में दिया गया बेल आइकन उसको प्रेस करके आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो देखिए पहले आते हैं हम लोग मेन XML में, और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। और यहाँ देखिए ये हमारा एक्टिविटी का इंटरफेस है, तो यहाँ पहले इसको सेट करता हूँ, इसका डेकोरेशन में सेट करता हूँ। डेकोरेशन में यहाँ सेट कर दिया, और यहाँ देखिए क्लियरली हम लोग को एक पूरा फ़ोन का लुक यहाँ आ गया। अब यहाँ पहले हम लोग को कॉन्स्टेंट लेआउट से इसको करना है रिलेटिव लेआउट में, तो इसको डायरेक्टली यहाँ सब लोग लेआउट पर चेंज करते हैं। और यह टेक्स्ट का भी हटा देना क्योंकि हमको टेक्स्ट का ज़रूरत नहीं है, जब जो होगा ज़रूरत तो उसको मैं ऐड कर लूँगा। अब यहाँ हम लोग पहला सेट करते हैं इसका एक्टिविटी, तो फिट सिस्टम विंडो मैं ट्रू रखता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक रिलेटिव लेआउट लेते हैं। और रिलेटिव लेआउट लिया, और जैसे लिया, और इसका विथ रखेंगे मैच पेरेंट, और इसका हाइट रखेंगे रैप कंटेंट, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब इसमें हम लोग को एक लेना है ओरिएंटेशन, जिससे हम लोग को क्या होने वाला फ़ायदा कि जब भी हम लोग लेंगे तीन बटन, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ क्लियरली तीन बटन में क्या बोल रहा हूँ। जैसे देखिए ये मेरा जो ऐप जो है, यहाँ जब मैं क्लिक किया तो देखिए आपको दिख रहा हो कि यहाँ ए जो दिया हुआ है तीन ठो सेपरेट सेपरेट पार्ट में दिया हुआ है, और एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इस तरह क्रिएट करने के लिए हम लोग को जो इसका ओरिएंटेशन है उसको लेना पड़ता है वर्टिकल। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लेते हैं हम लोग रिलेटिव लेआउट लेंगे, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, और इसको भी रखेंगे मैच पेरेंट। और इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें सम सेट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को डिवीजन चाहिए दो दो पार्ट में, तो इसको दो रखेंगे। और इसको इतना एंटर कर दिए, इसका जो ओरिएंटेशन है हम लोग रखने वाले हैं, ओरिएंटेशन रखने वाले हैं इसका हॉरिजॉन्टल क्योंकि हम लोग को चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन में। उसके बाद यहाँ आप लोग को एक लिखना पड़ेगा, एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा और एक बटन। अब टेक्स्ट बटन क्या है क्योंकि देखिए ये जो लिखा हुआ नंबर ये टेक्स्ट है, और ये जो कॉल बटन जो है यहाँ है ये रहता है बटन, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट लेते, तो टेक्स्ट व्यू इसका रखेंगे हम लोग विथ जीरो रखेंगे क्योंकि वहाँ सम लिए हुए हम लोग। उसके बाद इसका जो हाइट है वो मैच पेरेंट लेंगे, उसके बाद वेट सम को इंक्लूड करेंगे और वन क्लिक करेंगे। तो देखिए वन क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ क्लियरली कि आपको इतना ही दिखेगा, आधा यहाँ आ चुका है। अब इसको हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसका टेक्स्ट लिखना है क्या हम लोग इसको करना है, तो जीरो यहाँ लिखा हुआ जीरो रेड आ रहा था, यहाँ DP लिखना भूल गए थे। उसके बाद यहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट में आपका जो भी नंबर आपके पास हो, जैसे मेरे पास जो नंबर है मैं डाल देता हूँ, डाल दिया। उसके बाद इसका ID सेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखूँगा कॉल टैक्स, कॉल टैक्स। उसके बाद इसका ग्रेविटी सेट कर दूँगा, ग्रेविटी में लेता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल, या फिर सेंटर भी सिर्फ ले सकता हूँ, सेंटर ले लिया। उसके बाद इसका जो टैक्स का साइज उसको हम बढ़ाते हैं, तो मैं लेता हूँ अपीयरेंस, और अपीयरेंस में रखूँगा मीडियम। उसके बाद थोड़ा सा इस टेक्स्ट को कलरिंग करना है, तो इसका टेक्स्ट कलर हम लोग लेते हैं एंड्रॉयड ब्लैक, और इसको हम लोग इतना काम हमारा हो गया यहाँ। अब हम लोग को लेना है क्या बटन, तो बटन यहाँ आपको क्लिक करना है और लिखना है बटन। बटन के बाद यहाँ बटन का जो रहेगा विथ वो 0 DP रहेगा। उसके बाद इसका हाइट है वो रैप कंटेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ इसका वेट हम लोग सेट करने वाले हैं 1, और यहाँ देखिए बगल में आपको यहाँ आपको बटन दिख जाएगा, यहाँ ग्रे कलर का दिख रहा है। अब हम लोग बटन का यहाँ हम लोग सेट करने वाले हैं टेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ बटन में टेक्स्ट में लिखेंगे कॉल नाउ,
खोलना, और उसके बाद बटन का बैकग्राउंड लेने वाले हैं हम लोग। तो बटन का बैकग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड रखेंगे कलर प्राइमरी हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ कि यहाँ बटन हम लोग जो लिखा हुआ कॉल ना वो ब्लैक दिख रहा है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट कलर को चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर एंड्रॉयड, और इसको लेने वाले वाइट। उसके बाद इसका हम लोग टेक्स्ट स्टाइल को भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड दिखे, बोल्ड दिख गया। अब यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन देखिए यहाँ बटन जो दिख रहा है पूरा यह भरा हुआ दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ये जो लिए हुए हैं जब लीनियर लेआउट अंडर में, तो उसके अंदर यहाँ हम लोग ले लेंगे पैडिंग, और पैडिंग हम लोग 16 dpi डाल देंगे। तो देखिए हमारे पास इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। अब यहाँ हम लोग को बाकी रह गया सिर्फ बटन का ID सेट करने का, तो ID सेट करते हैं और लिखते हैं कॉल बटन, ये ID सेट हो गया। अब हमारे यहाँ काम खत्म। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट और एल, सारी कोड जाएगा आपका रीअरेंज हो। अब यहाँ आपका जो इसमें जो काम था वो खत्म हो गया, सिर्फ आपको यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया हूँ, क्लोजिंग का हो गया। अब आपका यहाँ टोटली काम खत्म हो गया। अब जब हम लोग जब इसमें 2-3 ठो डालेंगे तो यहाँ हम लोग का पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब चलते सीधे हम लोग मेन एक्टिविटी में, और यहाँ हम लोग पहले लेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल में पहले प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंटीजर डिफाइन करने वाले हैं, और यहाँ लिखने वाले हैं रिक्वेस्ट कॉल, रिक्वेस्ट कॉल इज इक्वल टू 1, इतना हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर से लेने वाले प्राइवेट प्रोसेस नहीं प्राइवेट प्राइवेट, और यहाँ हम लोग एक टैक्स लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे टैक्स व्यू, टैक्स व्यू, और इसका नाम रखने वाले हैं कॉल टैक्स। उसके बाद फिर से एक लेंगे हम लोग बटन, और यहाँ बटन लिखने वाले हैं बटन, और यहाँ लिखते हैं कॉल बटन। अब इतना हो गया। अब हम लोग ये जो लिए हुए हैं टैक्स भी और बटन का, वो हम लोग को वहाँ पहले इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ हम लोग पहले कॉल टैक्स को इनिशलाइज करते हैं, कॉल टैक्स इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID आर डॉट ID डॉट कॉल टैक्स। उसके बाद यहाँ लेते हैं कॉल बटन पर, तो कॉल बटन पर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और आर डॉट ID डॉट कॉल बटन, इतना हो गया। अब हम लोग जो कॉल बटन है उस पर हम लोग सेट ऑन क्लिक लिखने लगाने वाले हैं, क्योंकि इस पर हम जब हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे तो ही हमारा ये जो नंबर है वो रन करेगा और कॉल में डायरेक्ट चला जाएगा। तो उसमें हम लोग करना कुछ नहीं है, सीधा हम लोग को कॉल बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं कॉल बटन, कॉल बटन ब्रैकेट ले लिए और इसको क्लोज कर दिए। अब देखिए हमारे पास ये जो आ रहा है रेड कलर का, इसे इसमें हम लोग यहाँ कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोड लिखने वाले हैं सेपरेट में, क्योंकि सेपरेट कोड रहेगा यार, तो आपको समझने में आसानी होगी कि कहाँ से और कोड कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को, इस एरर को हटाते हैं पहला। तो चलते हैं पहले प्राइवेट वॉइड, और उसके बाद जो लिए हैं कॉल बटन, उसके बाद यहाँ आपको ले लेना है एक अलग प्राइवेट वर्ड का कॉल बटन ले लिया यहाँ। अब देखिए यहाँ हमारा एरर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को, क्या हमको यहाँ इनिशियलाइज करना है जिससे हमारी कॉल बटन वर्क करेगी। तो पहले हम लोग यहाँ स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रिंग यहाँ जो नंबर लिए थे नंबर डिफाइन करने वाले हैं, नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ जो दिया हुआ है हमको कौन सा कॉल को डिफाइन करना है, मतलब कि जो हम लोग यहाँ देखिए क्लियरली यहाँ जो दिया हुआ है ये जो नंबर है इस नंबर को ही कॉल करवाना है, मतलब ये नहीं है क्या कि दूसरा नंबर कॉल हो जाए, यही नंबर को हमें कॉल करवाना है। तो यहाँ हम लोग जो देखिए यहाँ दिया हुआ इसका ID सेट किए हैं हम लोग कॉल टैक्स, और उसका यहाँ बनाया है वेरिएबल इनिशियलाइज किए हुए कॉल टैक्स। तो यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग कॉल टैक्स, कॉल टैक्स गेट टैक्स एंड टू स्ट्रिंग, यहाँ से हमारा जो नंबर है डिफाइन हो गया कि हमको यही नंबर जो यहाँ इस कॉल टैक्स के अंदर डाला हुआ जो नंबर वही नंबर को हमको कॉल करना है। अब हम लोग को इफ एंड इल्ज का यूज करना है, तो यहाँ इफ नंबर इज ट्रिम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर हम लोग देन का प्रयोग करने वाले हैं एफ इल्ज का, और अगर ये हमारा जो नंबर है 0 से बड़ा रहेगा तो ही ये काम करेगा, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है कि यार जो नंबर हम लिखे हुए हैं वो मतलब वहाँ नंबर है या नहीं है। यहाँ हम लोग फिर से एक इफ इल्ज का यूज करेंगे, तो इफ
कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। अब हम लोग को यहाँ पहले परमिशन देना पड़ेगा अपने मोबाइल में कि जब भी हम लोग इस कॉल करेंगे तो हम लोग पहले सबसे पहले देना पड़ता है परमिशन, और वो परमिशन देना बहुत ज़रूरी है तो ही हमारी ये काम करने वाले, अदरवाइज काम नहीं करेगी। अब परमिशन कहाँ से देना है हमको, मतलब पहले देखना है हमको कि ये जो हम लोग बना रहे हैं वो हमारा कौन सी एक्टिविटी में है, मेन एक्टिविटी में है कि सेकेंड एक्टिविटी में, कि जो एक्टिविटी आप लगा जिसमें आप लगा रहे हैं वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग जो हमारा ये है मेन एक्टिविटी में है डॉट दिस, यहाँ हम लोग को एंटर करना है मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन, यहाँ आपको नॉट इक्वल टू लेना है, और फिर पैकेज मैनेजर को लेके आप इसको परमिशन ग्रांटेड दे सकते हैं। मतलब अगर ये परमिशन आप, अगर आप परमिशन अलाउ किए हैं एस किए हुए हैं तो ही ये हम आपकी ऐप रन करेगी, अदरवाइज ये आपकी ऐप को क्रैश कर देगा, मतलब कि आपके मोबाइल में ऐप चलेगा ही नहीं। उसके बाद हम लोग फिर से इसको यूज़ करने वाले हैं, यहाँ यहाँ हम लोग लेने वाले हैं एक्टिविटीज़ का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कौन सी एक्टिविटी कम्पैक्ट में है ये दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ एक्टिविटी कम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, और यहाँ दिखाना है हम लोग कि कहाँ कौन सी एक्टिविटी ले रहे हैं। तो यहाँ फिर से हम लोग मेन एक्टिविटी जो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस लेना है यार, डॉट दिस न्यू स्ट्रिंग। अब न्यू स्ट्रिंग अंदर में हम लोग को लेना है मैनिफेस्ट परमिशन, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन। इतना लेने के बाद आपको रिक्वेस्ट कॉल पर एंटर करना। आप देखिए आपको यह दिख रहा होगा कि रिक्वेस्ट कॉल आ कहाँ से रहा है, आपको पता होगा कि शुरू में मैंने यहाँ देखिए ऊपर में मैंने एक फाइनल स्टेटेड इंटीजर बनाया था जो ऊपर में दिया हुआ है रिक्वेस्ट कॉल, उसको मैंने यहाँ पुट किया हूँ, तो क्योंकि इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले बनाया था। आपको शुरू में लग रहा होगा यार कि क्यों बनाया, बट आपको यहाँ समझ में आ गया कि कैसे यार किस लिए बनाया था। और इसके अंदर हम लोग फिर यहाँ एल्ज का भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये परमिशन नहीं देता तो आपकी ऐप में ये रन नहीं होगा। तो यहाँ आपको जो नंबर रहेगा नंबर को वहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, फिर स्ट्रिंग में हम लोग डायल करवाते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं टेलीफोन नंबर प्लस नंबर, और यहाँ इसको सेमीकोलन डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी को एंटर कर देंगे, और यहाँ न्यू इंटेंट डॉट एक्शन कॉल पर क्लिक करके इसको हम लोग कुछ इसमें यूआई फ्रेश डालना पड़ता था, यूआरआई फ्रेज डॉट फ्रेज, और यहाँ हम लोग जो इसका जो लिए थे यहाँ डायल जो लिए थे इसका, तो वही हम लोग डायल यहाँ सेट कर देंगे तो डायल। अब देखिए यहाँ इतना जो काम था ये काम हम लोग का हो चुका है, लेकिन यहाँ एरर अभी आ रहा है कि देखिए अब एरर में क्या आ रहा है, यहाँ एरर आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है मिसिंग परमिशन रिक्वायर्ड बाय इंटेंट एक्शन कॉल, मतलब कि जो हम लोग कॉल कर रहे हैं उसका परमिशन हमको नहीं मिला है तो हम लोग एक काम नहीं कर सकते। तो जाते हैं सबसे पहले हम लोग इसका देते हैं परमिशन, और ये परमिशन आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ कारण कि जब भी आप कॉल कीजिएगा इस ऐप से तो आपको डायरेक्टली वापस इसी ऐप में आना है, इसलिए मैं ये परमिशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो जाना है मैनिफेस्ट में, और उसके अंदर में हम लोग को एक परमिशन ऐड करना पड़ेगा यूजर्स परमिशन, और यहाँ देखिए दिया हुआ है एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन, उसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कर देना है। तो उसके बाद यहाँ इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को काट देना है, और देखिए यहाँ से हमारी परमिशन ये जो रेड कलर थी रेड मतलब ख़त्म हो गई। अब हमारी काम मतलब कि यही छोटी सी कोड थी जो हम लोग को यहाँ अप्लाई करना था, अब इस कोड को मतलब रन करने के लिए एक और नया कोड है, और वो कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो हम लोग का यही ऐप जो है काम ही नहीं करेगा। चलिए लिखते हैं उस कोड को। इस कोड में हम लोग लिखना है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन, तो ऑन रिक्वेस्ट यहाँ फाइंड कीजिएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑन रिक्वेस्ट पब्लिक वॉइड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, इसको हम लोग सेलेक्ट करना है, और जो नीचे आता है सुपर डॉट ऑन रिक्वेस्ट को हम लोग डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ हम लोग को इफ़ एंड इल का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग इफ़ का यूज़ करने वाले हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू रिजल्ट ओके, ये देना ज़रूरी है कि अगर जो हम लोग कोड जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर उसका रिजल्ट ओके रहा तो यहाँ देखिए रिजल्ट कॉल ओके रहा तो यहाँ रिक्वेस्ट कॉल को यहाँ मतलब कि आपके मोबाइल ऐप से कॉल स्टार्ट कर देगा। और उसके अंदर हम लोग को फिर से एफिल का यूज़ करना पड़ेगा, तो एफिल में लिखने वाले हैं हम लोग इफ़ ग्रांट रिजल्ट इज इक्वल टू लेंथ ग्रेटर देन जीरो एंड डबल, यहाँ एंड लेना है ग्रांट रिजल्ट, और
ए हम लोग को देना है, इसके अंदर जीरो पे पुट करना है, इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। उसके बाद इसके अंदर हम लोग को फिर से एक काम और करना है, जब परमिशन हम लोग ग्रांटेड कर देंगे तो यहाँ जो देखिए ऊपर जो हम लोग ये बनाए थे कॉल का, इस कॉल को यहाँ हम लोग पुट करना है, ठीक है। ये जो कोड है उस कोड को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो डायरेक्टली यहाँ हम लोग कॉल बटन को पास कर देंगे। एल जे में पास करेंगे, एल जे में लिखने वाले हैं कि एक टोस्ट शो कर देंगे, टोस्ट, और यहाँ लिख देंगे परमिशन डिनाइड, डिनाइड। इतना लिखने के बाद देखिए हमारे जो एक कोड है ये बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे पहले, उसके बाद ही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ इसको कंट्रोल अल्ट और एल दबाइएगा जबकि, और इसका जो भी आपका कोड होगा, आप कोड कहीं भी लिखे होंगे तो वो कोड रीअरेंज हो जाएगा, अपने अनुसार इसको सेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ हम लोग रन बटन पर क्लिक करते हैं, और मैं अपना ये जो मोबाइल ऐप है मैं इसको ऑन कर लिया हूँ। आप देखते हैं यहाँ कि कब तक मैं ये काम करती है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे जब तक ये ग्रेडल होता नहीं, क्योंकि ये वेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने अभी कोड सेट किया वो रन कर रहा है या फिर ऐप क्रैश हो रहा है। तो चलिए देखते रहते हैं, वेट थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये रन करा नहीं कर रहा है। देखिए और ऐप हमारा इंस्टॉलिंग शुरू हो चुका है और लॉन्च एक्टिविटी पे आ चुका है, और यहाँ देखिए हमारे पास ये जो हम लोग सेट किए थे यहाँ, अब ये आ गया। अब हम लोग इसको क्लिक करते हैं, क्लिक जैसे करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ डायरेक्टली कॉल कर गया, ठीक है। क्योंकि कॉल करने का कारण क्या है कि हम लोग इसको परमिशन पहले से दे चुके थे, इसीलिए डायरेक्ट ये कॉल कर गया। अब इसको कट किया तो वापस हमारे बैक पर, दोबारा हम लोग इसको कॉल करते हैं तो देखिए डायरेक्टली कॉल हो गया, और फिर इसको हम लोग कॉल कट करते हैं तो सीधा हम लोग वापस अपने ऐप पर। तो ये हमारा काम हो गया फिनिश। अब हम लोग करना क्या है कि हम लोग को सीखना क्या है इसमें, कि एक ही एक्टिविटी में हम लोग का इस तरह का तीन ऐप मतलब तीन कॉल सेट करना है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको तीन कॉल के लिए, बट आपको जब जितना लगाना है उतना लगा सकते हो, वो आप पर डिपेंड है कि कितना आप कॉल एक्टिविटी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो। तो सीधा चलते हैं हम लोग वापस मेन एक्टिविटी जावा में XML में, और यहाँ देखिए ये जो लीनियर लेआउट जो हम तैयार किए थे उसको हम लोग पहले इसको कॉपी करेंगे सिंपल सा। कॉपी करने के बाद मैं लगाता हूँ पाँच तीन लगाता हूँ, पेस्ट कर दिया एक का, दूसरा पेस्ट किया, तीसरा पेस्ट किया, मतलब चार लगाया मैं, और चारों का हम लोग कोड चेंज करने वाले हैं। तो पहला का यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट वन कर देंगे, बटन भी वन कर देंगे, पहला क्लियर। अब दूसरा का हम लोग जो तीसरा पॉइंट है इसको टू करेंगे, और टू करेंगे मतलब ये आईडी हम चेंज कर रहे हैं ताकि आईडी मैच ना हो, आईडी मैच करेगा तो एरर आ जाएगा आपके सामने और ये आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। और यहाँ तीन क्लिक करेंगे और यहाँ तीन क्लिक किए तो देखिए हमारे सामने यहाँ तीन आ गया। अब इसमें तीन हमारे पास आ चुका है, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना है उसमें। थोड़ा सा इसमें कोड चेंजिंग है, कारण कि जैसे हम लोग एक अगर हम लोग फर्स्ट टाइम इसको हम लोग करते हैं तो देखिए अगर एक कॉल लगाते हैं तो हम लोग पर इतना कोड लिखना पड़ता है, बट जब दूसरा कोड लगाएंगे तो दूसरा तीसरा कॉल बटन यूज करेंगे तो बहुत कम कॉल लगाना पड़ता है या फिर कोड यूज़ करना पड़ता है और कोड लिखना पड़ता है। तो देखिए सीधा आपको पहले आपको यहाँ देखना है कि आपके पास कितना टैक्स भी होता है, एक दो तीन जो आपने भी ऐड किया और तीन ठो कॉल बटन भी है, तो पहले इसको हम लोग वेरिएबल में सेट कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास जो टैक्स वन था तो यहाँ कॉल टैक्स, कॉल टैक्स टू वन, फिर यहाँ कॉल टैक्स टू, कॉल टैक्स थ्री, ये हमारी हो गई। आप कॉल बटन में भी आते हैं, कॉल बटन वन, कॉल बटन टू, कॉल बटन थ्री, ये हमारी तीनों हो चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा बटन में बी कैपिटल बी होगा, इतना हो गया। अब इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे नीचे, तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कॉल टेक्स्ट में हम लोग तो इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट 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 कर दिया। उसके बाद यहाँ हम लोग इसको वन लिखेंगे, फिर यहाँ टू लिखेंगे और यहाँ थ्री लिखेंगे। आईडी सेट हो गया। अब थोड़ा सा इसको भी हम लोग यहाँ सही करने वाले हैं, आईडी सेट करते हैं वन टू थ्री, हमारा टेक्स्ट हो गया कंप्लीट। अब बटन जो है बटन यहाँ इस बटन को हम लोग करने वाले हैं, तो बटन को पहले कॉपी करेंगे, कॉपी किया और इसके नीचे कट कर दिया था, बटन को पहले कॉपी करेंगे, कॉपी किया उसके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। देखिए जब भी करते हैं पेस्ट तो इस तरह अगर आपको आता है लाइन से तो आपको
कंट्रोल अल्ट और एल दबाना है, ऑटोमेटिक जाएगा रीअरेंज हो। उसके बाद यहाँ बटन का भी दिया था, एक दो तीन बटन लिए थे एक्स्ट्रा हम लोग। उसके बाद इसका आईडी भी सेट किए थे, एक दो और तीन भी सेट किए थे, इतना हो गया। अब हमारी काम इतना हो चुका है यहाँ। अब देखिए ये जो हम लोग लगाए हैं सेट क्लिक और लिसनर, तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करते हैं और तीन बनाते हैं, और एक दो तीन बनाने के बाद यहाँ हम लोग सिर्फ इसका जो नाम जो है, यहाँ हम लोग बटन वन लिखने वाले हैं, फिर यहाँ बटन टू, फिर यहाँ बटन थ्री, इतना हो गया। अब इसके अंदर जो हम लोग सेट किए कॉल बटन, उसको हम लोग थ्री, उसके बाद यहाँ टू, उसके बाद यहाँ वन। अब जो ये एरर दिखा रहा है उसको तुरंत अभी हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, सिर्फ करना कुछ नहीं। ये जो दिया हुआ है प्राइवेट वायर जो लिए हम लोग कॉल बटन, उसको हम लोग क्लियरली यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ उसके नीचे एक बटन के लिए पेस्ट कर दिए, दूसरे बटन के लिए पेस्ट कर दिए और तीसरे बटन के लिए पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पहले हम लोग इसको सब बटन को सेट कर लेंगे, तीन दो और एक। अब इतना सेट करने के बाद देखिए हमारे जो यहाँ जो एरर था वो चला गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि यहाँ आपको कम्प्लीटली ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए जब भी हम लोग फर्स्ट बटन कॉल कर रहे थे तो यहाँ कॉल टैक्स वन लिए थे, तो अगर हम लोग कॉल बटन वन सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ कॉल टैक्स वन लेंगे। उसके बाद इसी अनुसार हम लोग कॉल टैक्स टू लेंगे और उसी अनुसार फिर से यहाँ हम लोग कॉल टैक्स थ्री लेंगे। इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, टोटली काम यहाँ आपका हो चुका है, क्योंकि इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मेन एक्टिविटी में भी मेरा सारा फंक्शन काम कर रहा है। अब यहाँ जो देखिए यहाँ नीचे जो दिया हुआ है, यहाँ हम लोग इसको ग्रांटेड किए थे कॉल करने के लिए, तो यहाँ हम लोग एक ही चीज़ सेट किए हुए हैं। तो हम लोग दो बटन तीन उठो और करेंगे, तो कॉल बटन वन, दूसरा कॉल बटन टू और तीसरा कॉल बटन थ्री। इतना हो गया, अब हमारी काम कंप्लीट हो गई। इसको कंट्रोल पर सेव क्लिक करते हैं और दोबारा हम लोग इसको कॉल पर सेट करते हैं। तो इसे आगे क्लिक किया कॉल पर और ये हमारी मोबाइल रही। अब जब तक ये लॉन्च करेगा तब तक हम लोग इस चीज़ को वेट करेंगे और क्लियरली देखने वाले। देखिए बहुत फास्ट ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन और आपका मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है। तो लॉन्च कर गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे से। पहले उस टाइम देखे थे ऊपर ने, अब क्लिक करेंगे नीचे पर, तो नीचे पर क्लिक किया कॉल हो गया। फिर हम लोग कॉल करेंगे सेकंड लास्ट हो गया, फिर सेकंड क्लिक करेंगे हो गया, मतलब सारा काम कर रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ करना क्या है, हमको थोड़ा सा बटन में डिज़ाइन करना है ताकि इसका लुकिंग थोड़ा बढ़िया रहे, क्योंकि यार देखिए इस तरह करना अच्छी बात है, मतलब कि हम लोग सीख गए हैं, लेकिन हम लोग को डिज़ाइन भी सीखना जरूरी है साथ ही साथ, ताकि हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल में आपको उसी तरह सिखाने वाला हूँ। डिज़ाइन एक साथ लेकर चलूँगा मैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक ही ट्यूटोरियल में आपको सेटअप भी सिखाऊंगा और डिज़ाइन करना भी सिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए देखिए हमारे जो मेन एक्टिविटी XML है, यहाँ हम लोग बटन को डिज़ाइन करने के लिए पहले हम लोग जाते हैं ड्राइवल रिसोर्स फाइल के अंदर में। आपको ड्राइवल में एक लेना पड़ेगा, न्यू ड्राइवल लेना पड़ता है, यहाँ ड्राइवल रिसोर्स फाइल लेना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग बटन डिज़ाइन, मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। तो मैं लिखिए बटन डिज़ाइन और इतना हो गया। अब इसके अंदर हम लोग पहले यहाँ क्लिक करेंगे शेप को, सिर्फ हमको डिज़ाइन करना है, कुछ नहीं करना है। शेप लेते हैं रेक्टेंगल में, उसके अंदर हम लोग ऐसा कलर लेंगे सॉलिड, और इसका हम लोग कलर डालने वाले हैं कलर प्राइमरी। उसके बाद इसे क्लोज कर दिए, फिर हम लोग लेने वाले कॉर्नर, कॉर्नर इतने ले लिए। उसके बाद इस रेडियस में हम लोग डालने वाले इसका जो रेडियस होगा वो डलाएगा 500 dpi। तो देखिए गोला हो गया, अब इसको क्लोज कर देंगे, हमारा बटन डिज़ाइन के लिए रेडी हो गया। अब चलते हैं वापस XML फाइल में और जहाँ जहाँ हमारा कॉल बटन है, ठीक है, ये हमारा कॉल बटन है। तो यहाँ हम लोग देखिए बैकग्राउंड जो लिए थे कलर प्राइमरी, उसको हटा के हम लोग बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड लेंगे यहाँ बटन डिज़ाइन। देखिए हमारे पास ये सिस्टम आ चुका है। अब इसको कॉपी कर लेंगे, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लिया। अब जहाँ जहाँ हम लोग सेट किए हुए थे, तो ये देखिए दूसरा जाते हैं बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ कोड आ गया। अब इसमें हम लोग इसी के अंदर में हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। अब इसको भी जाते हैं क्लिक करते हैं और यहाँ भी जो इसका है पेस्ट कर दिया, और लास्ट रह गया इसका बैकग्राउंड पेस्ट कर दिया। अब इसको हम लोग पेस्ट कर दिए, टोटली काम कर चुके हैं। अब हम लोग दोबारा इस पर कॉल करते हैं, तो सेव करेंगे और दोबारा इसको हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम को, और देखते हैं कि यहाँ डिज़ाइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो चेंज हो चुका है। देखते हैं अपने मोबाइल ऐप में चेंज हुआ नहीं हुआ। तो डायरेक्टली इसको खोलने दे रहे, सिर्फ इंस्टॉलिंग कर रहा है और ये हमारा ऐप वापस लॉन्च हो गया। यहाँ देखिए हमारा डिज़ाइन क्लियरली काम कर रहा है और यहाँ से हम लोग कोई भी बटन पर कॉल करके आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो यही थी छोटी सी वीडियो जो आपने सीखा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि कैसे हम लोग मैसेज को करते हैं
ऐप से, और कैसे उस चीज़ को हम लोग हैंडल करेंगे अपने ऐप के थ्रू, और ईमेल का भी सिस्टम हम लोग उसी वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद ट्यूटोरियल हमारा हो जाएगा स्टार्ट, जिसमें सारी जितना मैं बनाया अभी बताया जो आपको मैं सेपरेट ट्यूटोरियल, वो टोटली को मैं एक ऐप में मिक्स करने वाला, मतलब डालने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि भाई कि कैसे हम लोग कोई भी सभी सेपरेट वीडियो को एक ऐप में बनाते हैं, डालते हैं, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।